हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरभी पटेल बात करूंगा आपसे जुड़े में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, जो कि हमारे कला और संस्कृति के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हों या लोक नृत्य हों, इन पर आधारित एक या दो नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम में हमेशा बनता है। तो पढ़ते हैं आज का वीडियो, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी इस वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न हमारा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? केरल का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है या आंध्र प्रदेश का है? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है, ये है आपका तमिलनाडु राज्य का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का है? गोवा, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, केरल? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है, यह है आंध्र प्रदेश का। आंध्र मतलब आधा, कुची मतलब कच्ची, पूड़ी मतलब खाने वाली पूड़ी, यानी आधी कच्ची पूड़ी हमने खाई। आधा मतलब आंध्र प्रदेश, कच्ची माने कुची, पूड़ी माने पूड़ी, आधी कच्ची पूड़ी खाई, इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसे। यानी कुची पूड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, गोवा का या आंध्र प्रदेश का? मोहिनीअट्टम जो नृत्य है ये है केरल राज्य का। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नाम से समझ में आ रहा है किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कथक शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से, उड़ीसा से, केरल से, तमिलनाडु से? तो कथक शास्त्रीय नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अभी तक हमने पढ़ा है भरतनाट्यम को, जो कि कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, उड़ीसी संबंधित है, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला से। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश? देखिए, कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी केरल से संबंधित है, यानी मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कथकली ये जो है आपके केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। इसको कैसे याद करेंगे? मोहिनी एक लड़की है, वो केरल की कली है। मोहिनी एक लड़की है, वो केरल की कली है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे ही कली आता है आपको ये लाइन याद आनी चाहिए कि मोहिनी केरल की कली है। तो मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न अगला, शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप है भांगड़ा, सिद्धा, छऊ, मणिपुरी? देखिए, शास्त्रीय नृत्य का जो स्वरूप है वो है मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है, ठीक है। पूर्वी भारत का नृत्य है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? यानी कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो उत्तर भारत से संबंधित है? मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी? तो उत्तर भारत से संबंधित है कथक क्लासिकल डांस, ठीक है। मणिपुरी कहाँ से है? मणिपुर से। कथकली केरल से। कथक उत्तर प्रदेश से। ओडिसी ओडिशा से। एक देव नृत्य है कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा। देखिए, एक देव नृत्य जो है आपका यह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आधी कच्ची पुड़ी खाई, तो आंध्र प्रदेश से। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? कथक से, ओडिसी से, कथकली से, मणिपुरी से? तो मुखौटा
नृत्य का संबंध कथकली से है, जो कि कहाँ का है? केरला का। सदिर, सदिर नृत्य शैली, यानी सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है? कथकली का, मणिपुरी का, कुचिपुड़ी का, ओडिसी का या भरतनाट्यम का? तो सदिर जो है ये भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य शैली है इसका पुराना नाम है सदिर, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है, ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, मतलब बहुत लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? चक्यार, कुंतु, ओट्टन, तुल्लन, मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम, यानी देवदासी परंपरा से संबंधित है आपका मोहिनीअट्टम, केरला जिससे संबंधित है आपको पता होगा। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सबसे पुरानी नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम है, कृष्णअट्टम है, कथकली है, उड़ीसा है। तो सबसे पुरानी नृत्य शैली क्लासिकल डांस कौन सा है? यह है भरतनाट्यम, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदिर इसका पुराना नाम है, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न देखिए, मिलान, कौन सा मिलान सही है? कथकली कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से, नहीं। कथक केरल, कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सही है। कुचिपुड़ी उड़ीसा से, नहीं। ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कथकली केरल से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, यानी आपका बी और डी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी आपका ऑप्शन दूसरा सही है, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये क्लासिकल डांस आपको एकदम रट लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला है, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? मोहिनीअट्टम को, उड़ीसी को, कथकली को या भरतनाट्यम को? गरीबों की कथकली ये कहा जाता है मोहिनीअट्टम को, गरीबों की कथकली मोहिनीअट्टम को कहते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, अब तो हम लोग जो है भारतीय लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे, अभी तक हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात किया था, तो शुरू करते हैं फोक डांसेस को, भारतीय लोक नृत्यों को। गरबा किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो गरबा संबंधित है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है, मिलान गलत है, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है क्या? छुलिया उत्तराखंड से संबंधित है, घंटा मर्दला तमिलनाडु से, बांस नृत्य मणिपुर से। तो देखिए तमाशा और लावड़ी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये आपका मिलान सही है। छुलिया जो है उत्तराखंड से, ये भी सही है। घंटा मर्दला तमिलनाडु से, ये आपका गलत है, ये संबंधित है एपी यानी आंध्र प्रदेश राज्य से। घंटा मर्दला जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बांस नृत्य मणिपुर से संबंधित है, जो कुकी जनजाति है मणिपुर की वो बांस नृत्य करती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत है, यानी सी जो आपका विकल्प है इसमें गलत है, और जो उत्तर आपका सही होगा वो ऑप्शन टू, यानी मिलान जो गलत है वो गलत है, घंटा मर्दला जो कि आंध्र प्रदेश का है ना कि तमिलनाडु का। तो तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र का है, छुलिया उत्तराखंड का है, बांस नृत्य मणिपुर का है, घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में ये काफी बार आपने देखा होगा, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये है असम राज्य का, एकदम रट लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। अगला तो प्रश्न है हमारा, मिलान इसमें से कौन सा सही है? एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य है। तो पहला दिया गया है घूमर, जो कि हरियाणा से संबंधित है। ये जो है घूमर जो होगा यहाँ पर जो होगा आपका वो होगा झूमर, झूमर लोक नृत्य जो है वो हरियाणा से संबंधित है, ठीक है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है, झूमर, झूमर की जगह होगा घूमर, ठीक है। घूमर और कालबेलिया ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपका संबंधित है राजस्थान से। दूसरा है कोलाट्टम,
ये आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। रऊफ और दामली ये जो संबंधित है जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल सही है आपका। रासलीला आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी झूमर जो लोक नृत्य है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है, घूमर और कालबेलिया राजस्थान से, कोलाट्टम तमिलनाडु से, रऊफ और दामली जम्मू कश्मीर राज्य से, रासलीला उत्तर प्रदेश से। तो आपका पहला डी और ई, यानी ए डी और ई आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है चरवा लोक नृत्य संबंधित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए जो चरवा लोक नृत्य है वो संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से। बाउल लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? वेस्ट बंगाल। बाउल जो है वेस्ट बंगाल में संबंधित है, यानी पश्चिम बंगाल से बाउल संबंधित है। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब। तो भांगड़ा और गिद्दा, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, भांगड़ा और गिद्दा जो है पंजाब से संबंधित है। चिराओ चिराओ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मिजोरम। तो चिराओ लोक नृत्य जो है ये है मिजोरम राज्य से संबंधित। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा है, और लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न है आपके लिए है, अभी तक मैंने जितना जो बताया है उसी पर आधारित आपके लिए दो प्रश्न हैं। मिलान सही है, देखिए कौन सा मिलान इसमें सही है? चराओ जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा से संबंधित है, बाउल पश्चिम बंगाल से संबंधित है, घंटा मर्दला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, और इन दो ऑप्शनों को आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं तो अभी बताऊंगा ही। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, चराव जो है मिलान सही है। तो कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, चराव उड़ीसा से नहीं ये मिजोरम से संबंधित है, घंटा मर्दला उत्तर प्रदेश से नहीं ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है लोक नृत्य यानी फोक डांस कौन सा है? क्लासिकल डांस नहीं है, भरतनाट्यम, गरबा, कुचिपुड़ी, कथक। तो गरबा जो है वो आपका लोक नृत्य है यानी फोक डांस है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।